Good Choice Studio and Islamic Network. जवाब वाजिब है, सलाम वाजिब है, और कोई बताएगा? सलाम वाजिब वाजिब है, खुद बोलो, हाँ करो या ना करो, मैं आगे टुरा, मैं इतने तो नहीं खिलौना। सलाम वाजिब है, और जी वाजिब है, जवाब फर्ज है। और भाई और कोई बताएगा, सलाम करना वाजिब है या फर्ज है, क्या है? अब देखो आप कितने लोग बैठे हो, इससे आप अंदाजा कर लो कि हम लोग महफिलों में अपना कितना नुकसान करते हैं, सिवाय इसके के आए नारे लगाए कुछ नहीं होता, सीखते नहीं है। ना सलाम करना फर्ज है, ना सलाम करना वाजिब है। सलाम करना फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। एक बुनियादी बात है, किसी को भी नहीं पता, इससे आप अंदाजा कर लो कि हमारा हाल क्या है। इमाम साहब ने बताया खाली, बस, बाकी किसी ने ठीक नहीं बताया, सब ने गलत बताया, किसी ने भी जवाब ठीक नहीं दिया। इससे अंदाजा करें खुर्रम भाई, हम लोग क्या करते हैं महफिलों में, हैं? आपको तो सवाब मिल जाएगा, आपने तो अच्छी नीयत से कराई है, आपका नुकसान नहीं है। जो आते हैं वो क्या करते हैं? आपने तो मोहब्बत से हुजूर का मिलाद सजाया है, लेकिन हम लोग आते हैं नारे लगाते हैं, कख पल्ले, कितनी आम सी बात है। हमारा बुनियादी वो है इस्लाम का, सलाम करना ना वाजिब है ना फर्ज है, सलाम करना सुन्नत है। इतने मजमे में किसी एक को भी नहीं पता, और हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, हम कहते हैं जी इसी महफिल मिलाद भी, तो बेनमाजी आते हैं, बेनमाजी अभी भी कई लोग बगैर टोपी के बैठे हैं महफिल में, आए महफिल मिलाद में सर पे टोपी भी नहीं है। मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा, आपको माफी चाहता हूँ, लेकिन ये कि जो दिल तो दुखता ना, हक बात तो है ना, इतना तो हो ना कम अज कम कि हम कभी आप अपनी ड्यूटी पर बगैर यूनिफॉर्म के गए हो? वहां तो आप कहते हो यार मजबूरी है मेरी ड्यूटी, दाढ़ी रखी हो ना बंदे ने, दाढ़ी चंगी दाढ़ी रखी हो, पूरा सुन्नत का पाबंद हो, भी पेंट शर्ट पानी पैंती है, वो कहता यार ड्यूटी है मजबूरी, अफसरान ने कहा है, तो महफिल में आ गए बगैर सर हैं टोप ढापे से, तो हमारी तवज्जो नहीं है ना, असल में सीखते नहीं हम, सीखें भाई। बार वालों आप लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, यकीन करो, आप इस तरह करोगे ना तो मैं फिर मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मुझे 35 मिनट बात करनी है और मेरे 5 मिनट गुजर गए, 30 रह गए, तो आप सीखोगे तो फायदा होगा ना, खामोशी इख्तियार करोगे तो फायदा होगा। ये जो मैं कह रहा हूं, अभी इन्होंने 2-3 बातें सीख ली हैं, इनको हज का तरीका पता चल गया, सबको हज का किस्में इन सबको पता चली है भाई, हज की किस्में, हज कितनी तरह का है, जोर से कितनी तरह का है? देखो पहले इनमें से किसी को नहीं पता था, फायदा हुआ ना, सुना है तो फायदा हुआ, फिर मैंने किस्में भी बताई हैं, अब जिसको याद होगा याद होगा, अब पता नहीं किस किस को याद है, याद है किसी को, कोई बता सकता तीनों किस्में? 10 रुपए दूंगा जो बताएगा, क्योंकि अले मैनू मिले नहीं, मैं कोलो ही देने ने भाई, अले इमाम साहब आए थे नहीं ना मेरे को, कोई बताएगा 3 किस्में कौन कौन सी? अब मैं बता देता हूं, हज्जे इफराद, ठीक है, हज्जे तमत्तो और हज्जे कैरान, कोई बताएगा? हज्जे इफराद पहला हज, हज्जे इफराद दूसरा, हज्जे तमत्तो तीसरा, हज हज्जे कैरान, फिर इसकी किस्में, इन किस्मों की तफसील है। अब आपका काम है, आप अपने इमाम साहब के पास ना, 20 साल से यहाँ इमाम है, इनके पास जाके आपने पूछना है, इमाम साहब ये इफराद की होता है, तमत्तो की होता है, तो किरान की होता है, ये इनसे पूछना। तमत्तो मैं बताने लगा हूं, तमत्तो मैं बताने लगा हूं, और 2 आप बाद में इनसे पूछना, ठीक है ना, ठीक है ना। खुर्रम भाई आपने ना इशारा नहीं करना, जा रहा नींद आ रही, ओहो अच्छा अच्छा चलो जाने दो, इसको ले जाओ। तो अब आपने ना तवज्जो करनी है, फिर ये याद रहेगा, जैसे 3 किस्में याद रही है ना, ऐसे ही आपको फिर ये भी याद रहेगा। हज्जे तमत्तो कहते हैं फायदा उठाना, तमत्तो माने होता क्या? फायदा उठाना। तमत्तो क्या है? फायदा। फायदा क्या है? बंदा यहां से गया हज करने था, लेकिन अभी हज में बहुत दिन बाकी थे,